अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जाने फाती किचन और आज हम बना रहे हैं इमली की चटनी। इमली की खट्टी मीठी चटनी रेडी करेंगे आज हम। हमने इसमें 1 कप इमली ले ली है जो हमने इसको सोक करने रख दिया था 20 से 25 मिनट पहले, और इसका पल्प हमने निकाल लिया है। ऑलमोस्ट 2 कप बन चुका है ये वाटर के साथ। अब इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। पिंक सॉल्ट हमने इसमें ऐड करा है। रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे हम इसमें 1/2 टीस्पून। अब इसे हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे बॉईल आने तक। तो इसे बॉईल कर लेते हैं हम। इतना बड़ा हम एक इसमें गुड़ का पीस ऐड कर देंगे और अब इसे बॉईल आने तक छोड़ देते हैं। ये इसी में इसके साथ मेल्ट हो जाएगा। अगर आपकी इमली ज़्यादा खट्टी है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। अभी हमने इतना बड़ा ही ऐड किया है ये पीस, क्योंकि हमारी इमली 2 कप है। चलें बॉईल आने तक वेट करते हैं हम। इसमें बॉईल आ गया। अब हम इसके अंदर 3/2 टीस्पून ज़ीरा हैंड क्रश करके डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। और 1 टेबल स्पून इसके अंदर चाट मसाला डालेंगे। और जो हमने गुड़ ऐड किया है इनफ है इसके लिए, क्योंकि हमारी इमली ज़्यादा खट्टी नहीं है। आपके अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं गुड़। अब बॉईल आ चुका है इसमें और अब हम ऐड करेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। उसको थोड़े से पानी में मिक्स करके तो वो हम इसके अंदर अब ऐड करेंगे थिकनेस के लिए। थोड़ा थोड़ा हम इसे ऐड करेंगे और कंटिन्यू उसको चलाते रहेंगे। ज़्यादा हमें इसे थिक नहीं करनी, बस नॉर्मल थिकनेस हमें इसकी रखनी है। आप इसे किसी भी चाट के साथ या किसी भी स्नैक के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। ये देखिए इतनी थिकनेस इसकी रखनी है हमने, इतनी। अब थोड़ा से 1-2 बॉईल आ जाए तो फिर हम इसे ठंडा होकर ये और ठीक हो जाएगा। फिर थोड़ा ठंडा होकर और ठीक हो जाएगा। 2-3 बॉईल के बाद हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। अगर कलर डालना चाहते हैं तो डाल लें, अगर आप फूड कलर रेड ऐड करना चाहते हैं तो डाल लें, अदरवाइज नहीं, हम यूज़ नहीं करेंगे। चलिए हम 2 से 3 मिनट के बाद इसको हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और डिश आउट कर दें। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब इसे ठंडा कर लेते हैं और डिश आउट करते हैं। अब हम इसको किसी इसमें सर्विंग के लिए ऐड कर देंगे और किसी जार में हम ऐड कर देंगे, ताकि हम इसकी सेव करने के लिए हम रख दें। इसकी शेल्फ लाइफ भी है, आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। थोड़े से हम इस पर सेसमी सीड्स ऐड कर देंगे। आप इसे किसी भी स्नैक के साथ, समोसों के साथ सर्व कर सकते हैं और हम इसे चाट में भी यूज़ कर सकते हैं। ½ टेबल स्पून हम इसमें जार में डाल के तो मिक्स कर देंगे। और इसको हम सेव कर सकते हैं। देखिए हमने इसे सर्व भी कर दिया और सेविंग के लिए भी बता दिया है। फ्रेंड्स, हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी रेडी टू ईट है। आप इसे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसे किसी भी जार में डाल के रखते हैं, वैसे सर्विंग के लिए किसी भी चीज़ में ऐड करने के लिए रख लें, चाट वगैरह में, किसी स्नैक के साथ सर्व करें। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पे देखने को मिले। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग जेएफके चैनल। अल्लाह हाफिज़।